हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानपूर्ति विथ यश के। तो चलिए, आज का टॉपिक है सेल। पहले हम लोग सेल देखेंगे। तो पहले इससे पहले हम लोग बायोलॉजी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी में बायो और लॉजी, जिसमें बायो मतलब बायो का अर्थ हो गया बायोस, जो कि बायोलॉजी जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसमें बायोस हो गया और बायोस का मतलब होता है जीवन, और लॉजी मतलब यहाँ पे लोगोस हो गया। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। और यहाँ पे बायो होता है जीवन। तो यहाँ पे बायोलॉजी का मतलब हो गया कि जिसमें हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसको बायोलॉजी करते हैं। इसके जनक अरस्तु हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट जंतु विज्ञान और सेकंड वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एनिमल हो गए, मानव भी एनिमल में आते हैं, तो इन लोगों का अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान जिसमें हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो बायोलॉजी में हम लोग इतना ही समझते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल को। आज का हमारा टॉपिक ही है सेल। तो अब सेल किसके हैं? सेल जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी एवं संरचनात्मक इकाई है। जैसे सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट हो जाती है, मतलब ये जो है बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, अब यहाँ पे सेल का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। इसकी खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन रॉबर्ट हुक मरी हुई कोशिका का खोज किए थे। तो फिर इसके बाद जीवित कोशिका का खोज एंटोनियो लियोन हॉक ने किया था। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं जीवित कोशिका का खोज एंटोनियो लियोन हॉक ने किया था। और यहाँ पे कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो है सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका है, और ये अगर हमारे फेफड़ा में चली जाए तो ये हमें सांस ही नहीं लेने देती है। तो मतलब ये, और ये सबसे छोटी कोशिका है। और वहीं सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मानव का देख लेते हैं। मानव में जो सबसे छोटी कोशिका है वो स्पर्म है, पुरुष का स्पर्म, और सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का ओवम होता है, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। वही लीवर में सबसे तेज विभाजन होता है। इसलिए देखेंगे कि हमारे लीवर में अगर हल्का फुल्का ख़राब हुआ है तो खुद से ही मतलब सही हो जाएगा, लेकिन अगर वही ब्रेन है, ब्रेन में कुछ भी हुआ तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। सबसे लंबी कोशिका हो गई तंत्रिका कोशिका, जिसमें तो कोशिका विभाजन नहीं होती है। और वही यहाँ पे एक ग्लियल सेल होता है। तो 90% जो है ब्रेन में
तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, लेकिन ये जो 10% है वो ग्लियल सेल पाया जाता है। वही लीवर, लीवर जो है लीवर में कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, और लीवर में जब कैंसर होता है तो बचने का चांस ही नहीं होता है, क्योंकि जो लीवर है वो कोशिका विभाजन बहुत जल्दी जल्दी करती है। लीवर में कैंसर हो गया तो इंसान बचेगा नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोग अब देख लेते हैं झिल्ली को। तो झिल्ली, झिल्ली क्या होती है? पतली परत होती है। जैसे हमारा हमारा कोशिका हो गया, यहाँ पे कोशिका हो गया, इसके जो बाहरी, इसका जो बाहरी परत होता है यही होता है सेल मेम्ब्रेन, यही होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है ये जो है सबसे, ये क्या करती है कि ये जैसे एक कोशिका हो गया और इसके बगल में तुरंत एक कोशिका हो गया, उससे अलग करने के लिए झिल्ली लगी होती है, और जो बाहरी वातावरण होता है उससे बचाव के लिए ये झिल्ली लगा होता है। एक क्या होता है, एक प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। जो झिल्ली होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। और ये बना किससे होता है? प्रोटीन से बना होता है। वही अब यहाँ पे अब एक देख सेल वाल, इसी के जो बाहर होता है वो सेल वाल लगा रहता है। सेल वाल मानव में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो मनुष्य है वो ऊपर से अपने शरीर की रक्षा के लिए कपड़ा पहन लेता है। ये जो है एक सेल वाल जो है यहाँ पे लिख लीजिए प्लांट में पाया जाता है। सेल वाल प्लांट में पाया जाता है। एक सेल वाल प्लांट में क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनकी रक्षा के लिए तो कुछ नहीं है, तो इसलिए भगवान ने कोशिका भित्ति प्लांट में ऊपर से एक आवरण चढ़ा दिया। जो सेल वाल है वो बना किससे होता है? सेलुलोज से। ये जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं उसका जो धागा होता है वो भी सेलुलोज का ही बना होता है। जो कागज होता है, कागज, कपड़ा, रुपया, ये जो रुपया मतलब जैसे नोट हो गया, नोट, ये सब जो है सेलुलोज का बना होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना इस टाइप की कुछ होती है, इस टाइप की कुछ होती है, और इसके अंदर में जो है ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये जो अंदर में होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, और जो इसके ये जो बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी खोज कौन किया था? अल्टमैन ने किया था। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके भी बाहर जो है एक झिल्ली लगी होती है, इसके भी बाहर झिल्ली लगी होती है इसकी रक्षा के लिए। और यहाँ पे जो है ये जो हो गया क्रिस्टी हो गया, और ये मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स का जो बाहरी आवरण होता है वही होता है क्रिस्टी, और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक आवरण होता है। इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो O2 है मतलब जो इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, तो जो O2 है वो क्या करता है, 38 ATP मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो O2 पहले क्या होता है, हम लोग फेफड़ा से ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर ATP का निर्माण करती है, और जो 38 ATP होती है वो ग्लूकोज का निर्माण करती है, और वही ऊर्जा के रूप में संरक्षित होती है। इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। चलिए अब हम लोग तुरंत इसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी जो है बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जनक कौन थे? अरस्तु हैं। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेल के बारे में। सेल कोशिका
से एक क्या होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी एवं छोटी छोटी एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ये सब बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है और यहाँ पे अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। मरी हुई कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, एंटोनियो लियोन हॉक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। सबसे छोटी कोशिका कौन है, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, वही पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका ऑल ओवर में इसको कर लेंगे, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। वही मानव में हम लोग देखेंगे, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म और सबसे बड़ी कोशिका ओवम, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन इसमें 10% ग्लियल सेल पाया जाता है, जिसके वजह से कैंसर का खतरा होता है। लिवर में वही कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए लिवर में भी कैंसर होता है तो लोग बचते नहीं है, सबसे खतरनाक होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे झिल्ली। झिल्ली पतली परत होती है कोशिका के बाहर की, पतली झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और ये क्या करता है, ये पौधों और एनिमल दोनों में पाया जाता है। वही सेल वाल कोशिका भित्ति केवल प्लांट में पाया जाता है। जो है बाहरी आवरण होता है जो पौधों को प्रोटेक्शन देता है। किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है और ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। अब उसके बाद इससे क्या क्या बनाया जाता है, धागा, कागज, कपड़ा, रुपया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। ये क्या करता है, ऊर्जा बनाती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसकी आंतरिक बनावट को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है जिसमें ओटू से एटीपी का निर्माण होता है और यही 30 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और यही एटीपी ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहती है। तो आज का क्लास यहीं तक ख़त्म होता है और अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।